हे गाइस, आप लोग देख रहे हो आर के दक्ष ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं मुक्ति धाम दीनदयाल नगर में। यहाँ पे सफाई वगैरह का काम करना है थोड़ा सा। हे गाइस, आप लोग देख रहे हो आर के दक्ष ब्लॉग। आज हम मुक्ति धाम में आए हैं। वहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है। हम लोग करीबन 10-15 दिन आए हैं, तो यहाँ पे काफी घास फूस बड़ी बड़ी हो गई थी, तो जो कि हमारे महेंद्र भैया रजक राजा रिछाड़िया जी पार्षद जी सभी के सहयोग से साफ सफाई करेंगे। जो भी कचरा वगैरह होगा उसमें आग लगा देंगे और कचरे को साइड पे रख के देखते हैं। ये द्वार बहुत काफी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुक्ति धाम का दोस्तों मुख्य द्वार है, और इसके बाद अंदर चलते हैं। दोस्तों मैं अंदर आ गया हूँ और देखते हैं अंदर कितने जन आ गए हैं, क्या कितनी सफाई हो गई है। हमारे हिसाब से दोस्तों जन कल्याण में सहयोग करते रहना चाहिए। जैसे ही भैया का फोन आया मैंने तुरंत मतलब उसमें सोचा भी नहीं, तुरंत हाँ बोल दिया कि ठीक है भैया हम आ जाएंगे, क्योंकि सभी के सहयोग से ही ये काम हो पाते हैं। और हम दोस्तों अब आ गए हैं अपने मुक्ति धाम। यहाँ पे हालांकि पहले से तो काफी सुंदर हो गया है, पहले से दोस्तों ये काफी अच्छा बन गया है। पहले यहाँ पे ये टाइल्स गिट्टे वगैरह नहीं लगे थे, अब गिट्टे वगैरह भी लग गए हैं। यहाँ पे ये घास वगैरह काफी बढ़ चुकी है और ये कचरा जगह जगह पे कचरा वगैरह डला हुआ है, पन्नी वगैरह डली हुई, तो इनको सबको एक बैग में भर के उसमें आग लगा देंगे हम लोग। तो दोस्तों बस इंतजार कर रहे हैं बाकी सबका आने का। अभी सुबह का 7 बजा है। आज हम समाज के सभी सदस्यों की ओर से हमारे समाज के संत गार्ड के जी के मार्गदर्शन पर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सागर में रजक समाज जन कल्याण समिति का गठन किया गया, जिसके तहत हम लोग आज सफाई अभियान मुक्ति धाम मकरोनिया क्षेत्र में दीनदयाल नगर पे कर रहे हैं जी। और हम आने वाले समय में संत गार्ड के जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में अनेक कार्य करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। समाज के हर तबके के लिए, न केवल रजक समाज बल्कि अन्य समाज में जो भी बन सकेगा, हम अपने तन मन धन से हम अपने सहयोग करेंगे और अपनी उपस्थिति हर कार्यक्रमों में दर्ज कराएंगे। इसी के साथ हम ये आज का सफाई अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है और आगे भी इसी तरह रखेंगे। धन्यवाद।
राहुल भैया सफाई अभियान में सहयोग करते हुए हमारे दालचंद दादा जी आज दिनांक 13/11/22 को सफाई अभियान मुक्ति धाम ये वार्ड नंबर दीनदयाल नगर मुक्ति धाम है और ये जो कार्य सफाई अभियान चला गया है ये रजक समाज जन कल्याण समिति के द्वारा और जिसमें कि पार्षद महोदय वार्ड नंबर 3 के राजेश जी और रजक जन समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष राजचंद रजक मैं स्वयं और हमारे सब साथीगढ़ जैसे राजकुमार बाथे जी महेंद्र कुमार अपने गोपाल कराने वाले और दिनेश कन्वाजिया जी और चतुर्मा साहब और समस्त जनों की समस्त रजक जन समाज की समिति से ये कार्य कराया गया है और आगे भी होता रहेगा। आज रजक समाज द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक स्वच्छता की ओर उन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही बढ़िया कार्य मुक्ति धाम की जो आज सुबह सभी रजक समाज के अध्यक्ष हैं दादा डालचंद जी और राजकुमार जी बासले जी और गोपाल भैया सभी लोगों ने मिलकर जो आज सफाई की है एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया उन्होंने। हम उनको सबको साधुवाद करते हैं। इसमें सहयोग है कैमरा मैन है जो और उनने इस बात को आगे तक संदेश को आगे तक फैलाएंगे स्वच्छता अभियान को। बहुत बहुत धन्यवाद रहा।